मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि ये मौसम गुवारे की बिजाई का आ रहा है, उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं अर्ज कर देता हूँ। एक ये कि सही टाइम जो काश्त का है उसको मद्देनजर रखा जाए। हम रिकमेंड करते हैं कि यकम जून के बाद लगाया जाए, उससे पहले काश्त ना की जाए। जून का पूरा महीना भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जितनी अर्ली काश्त कर लेंगे उतनी अच्छी पैदावार आएगी। दूसरा यह कि तरीके काश्त जो है वो लाइनों में काश्त किया जाए। ये जो जंतु वाली रेल होती है वो 9 इंच पर लाइनों का फासला रखती है। हम कहते हैं कि 1.5 फुट पर लाइनों का फासला होना चाहिए, तो एक एक सुराख अगर बंद किया जाए रेल का और एक एक खुला रखा जाए तो वो 1.5 फुट पर हो जाएगी। जब बीज उग जाए तो 6-6 इंच पर पौधे से पौधे के फासले कर दिए जाए। बिजाई के वक्त एक बोरी DAP डाली जाए तो बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, और अगर जड़ी बूटियों का प्रॉब्लम हो तो 1.5 लीटर पी एकड़ के हिसाब से ज़मीन तैयार करने से पहले ज़मीन पर स्प्रे कर दें, DAP के छट्टा भी कर दें, उससे आपको 70-80% जो जड़ी बूटियाँ उनका कंट्रोल मिल जाए। और सबसे जो अहम चीज़ है वो वैरायटी है। अगर आप किस्म अच्छी लगाएंगे जिसका यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा है तो आपकी पैदावार अच्छी आएगी। तो इस सिलसिले में मेरी याद है कि हमारी 3 वैरायटीज़ हैं जो मकबूलशुदा हैं, एक BR99 है, BR2017 है और एक इसी साल मंजूर हुई है BR21। लेकिन इनमें से 2 का बीज हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। BR99 का बीज मौजूद है जिसका रेट 120 रुपये फी किलो के हिसाब से है। 10 किलो हमें चाहिए एक एकड़ के लिए बीज, तो 1200 रुपये का बीज आ जाएगा। एक बोरी DAP डालें और तर बतर पर काश्त करें। अगर तर बतर ना हो फर्स्ट करें तो फिर बीज को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर फिर उसे साय में खुश कर के या छोटा करना भी छोटा करना, लेकिन बेहतरीन तरीका देता है। और पानी जो है इसको बिल्कुल मुनासिब थोड़ा पानी लगाएं, फ्लडिंग ना हो, पानी खड़ा ना हो। अगर पानी 2 दिन भी खड़ा हो जाए तो गुवारा हो जाता है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि पानी जब अशद जरूरत हो तो पानी लगाएं और ज़मीन को जस्ट गीला करें, उसमें खड़ा ना करें। और इस पर जब ये बड़ी हो जाती है तो वाइट फ्लाई और जेसेट का हमला होता है इसका। अगर हो तो उसके लिए मुनासिब दवाई तो महकमा ज़राअत के मशवरे से स्प्रे करके उसका कंट्रोल करें। और जब ये फूलों पर आ जाए और 2-4 फलियाँ नज़र आने लग जाएँ तो उस वक्त आधी बोरी यूरिया है इसमें डालें, तो इंशाल्लाह बेहतरीन पैदावार आएगी। और उस वक्त पानी ज़रूर लगाना चाहिए। आमतौर पर रोनी के बाद 2 या 3 पानी से फसल पक जाती है। अगर मानसून की बारिश हो जाती है तो फिर पानी लगाने की बात का ज़रूरत नहीं रहती। तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुश्की का पौधा है और ये खुश्की को पसंद भी करता है। सनी डेज इसके लिए चाहिए, धूप अच्छी खासी हो तो फिर इसकी पैदावार अच्छी आती है। और दूसरा ये है कि इसको जब फलियाँ लग रही हों तो उस वक्त ख़ास तौर पर इसको पानी की कमी ना आने दी जाए, थोड़ा थोड़ा पानी 2 दफ़ा कम अज़ कम फूलों के बाद पानी इसको लगाना चाहिए। बाकी इसका रह जाता है हार्वेस्टिंग का मामला, तो वो हाथ से भी कटाया जा सकता है। अगर तना बहुत मोटा ना हो तो रीपर भी इसको काट लेता है, लेकिन काटने के बाद इसको फौरन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 8-10 दिन इसको छोटी छोटी ढेरियों में रखकर खुश करके ये जो गंदम वाली थ्रेशर है इसके ज़रिए से इसकी थ्रेशिंग आसानी से हो सकती है। अगर फर्ज करें कि तने अभी भी गीले हैं और वो थ्रेशर में से नहीं गुजरते, उसमें फंस जाते हैं, तो एक तरीका ये है कि आप किसी पक्की जगह पर फसल को बिखेर कर ऊपर ट्रैक्टर फेर दें
फलियां और तने अलहदा हो जाएंगे, तो तनों को एक साइड पर कर दें और फलियों को थ्रेशर में से बुला दें, तो इस तरीके से आपकी बचत हो जाएगी, थ्रेशर भी बच जाएगा, बाल का अगर गीला हो तो उसके कटर टूट जाते हैं। इन दो तरीकों से इसकी थ्रेशिंग की जा सकती है। फिर उसका स्टोरेज का मसला होता है, उसको निकालने के बाद उसको खुश कर देना चाहिए, 12-14% पर इसकी नमी हो तो फिर मुनासिब है इसको स्टोर कर देना। ये ऐसी फसल है जो 3-4 साल भी पड़ी रहे तो इसको कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, तो इसलिए अगर रेट अच्छा ना मिलता हो तो उसको स्टोर भी किया जा सकता है। बाकी अगर कोई काश्तकारों को कोई मसला हो इसकी फसल की बढ़ोतरी के दौरान फ्रेशिंग के लिए, तो कीड़े मकोड़े का मसला हो, तो मेरा नंबर है 0333-6375-400। डॉक्टर लाल हुसैन अहमद, तो मुझसे रब्ता करके हर वक्त मेरा नंबर खुला होता है, आप मशवरा कर सकते हैं, हम जो भी आपके हेल्प कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसकी पैदावार कितनी हद तक आम काश्तकार है? जो हमारी ये वैरायटी है BN99 जिसका बीज हमारे पास अभी मौजूद है, इसकी पैदावार सलाहियत 20 मन है, लेकिन जिन दोस्तों ने इसको अच्छी टेक्नोलॉजी के जरिए लगाया उन्होंने 35 मन तक भी मुझे रिपोर्ट किया है कि हमारी पैदावार है। मसला वही है मलिक साहब के प्लांट पॉपुलेशन जब तक पूरी नहीं होगी, जिसके लिए हम कहते हैं कि 1.5 फुट पर लाइनें लगाएं, 6 फुट पर 6 इंच पर पौधे लगाएं, वेस्ट के जरिए आपको 58,212 पौधे मिल जाते हैं, क्योंकि पैदावार देनी है पौधे ने। अगर पौधे ही कम होंगे या उनको पूरी खाद नहीं डाली जाएगी, उनकी जो पेस्ट की सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो पैदावार नहीं आ सकती। मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले 12-13 साल की ये है कि जिनसे भी मैं बात करता हूँ काश्तकारों से कि जी इसको ड्रिल के जरिए काश्त करें, इसको स्प्रे भी करें, इसको खाद भी डालें, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग ये कहते हैं जी ना हमारे पास ड्रिल है और इसको तो खाद की जरूरत ही नहीं है, तो खाद खुद बनाती है, तो इसको स्प्रे की क्या जरूरत है। तो फिर वही शिकायत होती है फार्मर की, जी मेरी 5 मन आई है, 7 मन आई है, 4 मन आई है, तो फिर यही हालात होते हैं। मेरा दावा यह है कि अगर प्लांट पॉपुलेशन पूरी कर दी जाए, वैरायटी सही हो, उसकी निगहताश सही हो, उसकी पानी की, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की जरूरियात पूरी हो, तो कोई मसला नहीं है। अभी पिछले सीजन में एक वकील साहब है यहाँ हमारे, उन्होंने चोरिस्तान के करीब बिल्कुल रेतला इलाके था वहाँ हमारी वैरायटी लगाई, तो वहाँ से मैंने 40-50 पौधे मंगवाए, जड़ों से मैंने तो खुलवा के मुझे यहाँ देख, एक एक पौधे से 40 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, 40, 45, 35, इस हिसाब से एक पौधे से आया। मैं ये कहता हूँ कि अगर 25 ग्राम भी एक पौधे से आ जाए तो कम से कम 40 मन पैदावार बन जाती है, लेकिन आमतौर पर हमारे ग्वारे के काश्तकार इसकी एहतियात नहीं करते, अक्सरियत जो है वो छुट्टे करते हैं, ना खाद देते हैं ना दवाई से प्रयोग करते हैं, तो फिर पैदावार उसी के हिसाब से जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेशन के मुताबिक ये ब्रोशर भी हमारा नेट पर मौजूद है दोबारे की काश्त, तो उसको उससे फायदा, उसमें हमने हर चीज़ रख दी है, कैसे बिजाई करनी है, कितना बीज डालना है, खादें क्या डालनी है, उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी है, तो अगर उसके मुताबिक इंसान काश्त की जाए तो ये अच्छा। फिर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि जिस जमीन में दोबारा लगाया जाए वो उसकी जरखेजी बहुत ज़्यादा बहाल हो जाती है और जो आने वाली फसल है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जिन दोस्तों ने गुवारा लगाया हुआ था और वहाँ गंदम लगाई तो उनकी पैदावार पिछले साल के नस्बत बहुत ज्यादा रही, तो हर्वेस्ट करो ये जून, अगर शुरू जून में लगा लिया जाए तो ये अक्टूबर के दरमियान या आखिर तक ये अच्छा है इसकी हर्वेस्ट करो, इसके बाद आसानी से गंदम लग सकती है, अलबत्ता लाया और दूसरी चीजें थोड़ी लेट हो जाएंगी
वैसे हमारी वो जो 2017 है वो अर्ली में चोरेंगे।